आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर और सागर की टीम ने निवाड़ी और मंडला जिले में छापे मारे हैं। आज सुबह निवाड़ी में जल संसाधन विभाग के रिटायर्ड टाइम कीपर और मंडला जिले में दो सोसाइटी मैनेजर्स के ठिकानों पर छापे पड़े। दोनों मैनेजर्स भाई हैं। एक भाई के पास आय से 1100% अधिक खर्च और संपत्ति मिली है। टीम ऐसे समय पहुंची जब सभी अपने घरों में सो रहे थे। दरवाजे पर टीम को देखते ही सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब तक की जांच में तीनों के पास आय से अधिक संपत्ति पाई गई है। सर्च जारी है। रिटायर्ड टाइम कीपर उसके बेटे के खिलाफ केस किया गया है। मंडला में दोनों मैनेजर भाइयों के साथ उनकी पत्नियों पर भी केस किया गया है। ईओडब्ल्यू जबलपुर की टीम ने मंडला जिले के नैनपुर में दो भाइयों गणेश जायसवाल और राजू जायसवाल के मकान, गोदाम और दुकानों में सर्च कर रही है। दोनों सोसाइटी मैनेजर हैं। ईओडब्ल्यू एसपी जबलपुर देवेंद्र राजपूत ने बताया कि नैनपुर में रहने वाले गणेश जायसवाल और राजू जायसवाल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति जमा करने की शिकायत आई थी। राजू जायसवाल के पास अब तक आय से लगभग 1100% ज्यादा खर्च और प्रॉपर्टी मिली है। राजू और उसकी पत्नी संगीता के खिलाफ केस किया गया है। मंडला जिले में ही नैनपुर में समिति प्रबंधक गणेश जायसवाल के रेलवे स्टेशन कॉलोनी के पीछे मकान और इटका स्थित दुकान में सर्च की जा रही है। अब तक आय से 600% अधिक खर्च और संपत्ति मिली है। गणेश और उनकी पत्नी अनीता पर केस दर्ज किया गया है। गणेश जायसवाल समिति प्रबंधक राजू जायसवाल के भाई हैं। निवाड़ी में जल संसाधन विभाग के टाइम कीपर कैलाश चंद मिश्रा के पास आय से 110% का अधिक संपत्ति मिली है। टाइम कीपर और उसके बेटे नरेंद्र मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। टाइमकीपर के ग्राम दिगावर खुर्द स्थित आवास और पृथ्वीपुर स्थित आवास में सर्च जारी है।